नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 12 दिसंबर को ब्रिटेन में होने जा रहे चुनाव से पहले जेरेमी कोर्बिन की लेबर पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। कश्मीर मसले पर भारत विरोधी रुख रखने की वजह से ब्रिटेन में रह रहे तमाम भारतीय मूल के लोग लेबर पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। लोगों का झुकाव सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की ओर ज्यादा देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी यानी ओएफ बीजेपी के पदाधिकारी मंदिरों में जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये सिलसिला पूरे ब्रिटेन में चल रहा है। कई हिंदू संगठन भी इस तरह के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वे लेबर पार्टी के खिलाफ और कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थन में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वे एंटी इंडिया, एंटी मोदी और एंटी हिंदू सोच रखने वाली लेबर पार्टी को खारिज करने का नारा लगा रहे हैं। ये वही लेबर पार्टी है जिसके नेता सादिक खान लंदन के मेयर हैं। कश्मीर मसले पर पाकिस्तानियों के प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तानी मूल के सादिक खान की जमकर आलोचना हुई थी। पाकिस्तानियों ने भारतीय दूतावास पर पत्थर और अंडे भी फेंके थे। पाकिस्तानियों के प्रोटेस्ट से भड़की एक ब्रिटिश महिला केटी होपकिंस ने कहा था, ये लंदन स्थित भारतीय एम्बेसी है जो कि हमारा एक पुराना और अच्छा सहयोगी रहा है। वहाँ पर पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और अंडे फेंके। अभी तक यहाँ सफाई क्यों नहीं करवाई गई है? क्या लंदन के मुस्लिम मेयर इसे बढ़ावा दे रहे हैं? ब्रिटेन के लिए शर्म की बात है कि लंदन के मेयर सादिक खान है जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। रविवार को दिवाली के मौके पर भारतीय समुदाय ने लंदन के मेयर सादिक खान से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। ऐसा सादिक के भारतीय उच्चायोग के समक्ष प्रदर्शन और वहां तोड़फोड़ करने वालों का समर्थन करने के कारण किया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुई इस घटना में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी किया गया था। बता दें, एक तरफ लेबर पार्टी और उसके नेता सादिक खान कश्मीर मसले पर भारत विरोधी रुख रखते हैं, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साफ कर दिया है कि कश्मीर मामले को लेकर लंदन में भारत के खिलाफ पैदल मार्च निकालने के कार्यक्रम के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि एनआरआई इस चुनाव में बोरिस जॉनसन के समर्थन में जाते दिख रहे हैं।